हेलो गाइस, आ चुका हूँ भाई की नया वीडियो लेकर। आज बात बताना है कॉन्करर रैंक पुश करने के लिए कुछ टिप एंड ट्रिक्स, एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। जो हमारा सबसे पहला ट्रिक है वो आपको लोकेशन देखना है, आपको कहाँ उतरना है, और वहाँ उतरने के बाद बंदा आता है तो आपको भागना है या वहाँ रुकना है। आप वहाँ पर उतरेंगे तो सब एंगल से आप उसे मार सकिए, ऐसा जगह उतरेंगे। ऐसा नहीं कि अब यहाँ एरोप्लेन यहाँ से जा रहा है, आप यहीं से उतर जाएंगे तो वहाँ बंदे बहुत आएंगे। तो लेकिन आपको बच के रहना है कि आपको चूज़ करना है कि कहाँ उतरना है जहाँ वही साइकिल मिले। जी हाँ, वही साइकिल मिलेगा तो आप आसानी से जा सकते हैं। नंबर टू ट्रिक्स की तरफ, और दूसरा नंबर पर आता है हमारा वही साइकिल। वही साइकिल आपके पास है तो जोन कहाँ भी बने तो आप आसानी जा सकते हैं। आप जोन दो, एक दो जोन जब बनता है तो आप शुरू में नहीं हड़बड़ा के चल जाइए, आखिर में जाइए और हीलिंग फोकस रख के जाइए, क्योंकि आपको हीलिंग का ज़रूरत पड़ सकता है। और वैसे की रहेगा तो आप आसानी से कितनी ही जोर जोन बने तो आप इजी तरीके से ले जा सकते हो। और तीसरे नंबर पर आता है हमारा सर्वाइवल। जितना आपका अच्छा सर्वाइवल रहेगा उतना प्लस भी होता है, और आपको सर्वाइवल कम से कम 10 मिनट करना पड़ेगा गेम में, पर गेम में, उसके बाद आप कुछ आगे का कीजिएगा। और चलिए आप चलते हैं चौथे की तरफ, और चौथा पे आता है हमारा किल। आप जितना किल करोगे उसके हिसाब से जल्दी जल्दी प्लस होगा तो आप जल्दी से कॉन्करन में जा सकते हो। अभी बहुत लोग कॉन्करन में जा चुके हैं, अभी एक महीना का टाइम है जो आप 4500-4600 में डुओ में जा सकते हो इजी तरीके से। 4500 हो चुका है तो बढ़ेगा, एक महीना के अंदर तक आप जा सकते हो। और किल कीजिएगा तो बहुत जल्दी प्लस होगा, पर किल में इतना अंधा नहीं हो जाइएगा कि आप कुछ देखें ना कब रश करना है, ये सब देख के भी रश कीजिएगा। और पांचवा हमारा आता है, पांचवा ट्रिप्स है आपको किल मैसेज पढ़ना आता हो। या तो साइड में देखिए मार रहा है, गाड़ी से मार रहा है किससे, तो आपके बगल में जब झगड़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन मर रहा है और कौन नॉक है, तो आप इजी तरीके से स्पीड जाके उस पर रश करके और उसको ख़त्म कर सकते हो। और ये बहुत ही ओपी ट्रिक है। छठा नंबर पे आता है कि आप कब फाइट लो। जब टॉप 10 बंदे अलाइव हो, जो ऊपर देखिए 37 बंदे अलाइव है, तो इस समय आपको लड़ना नहीं है। जब 10 बंदे अलाइव हो तब आप जाके रस कर सकते हो, तब आपको कुछ अच्छा पॉइंट मिलेगा। आप टॉप 10 से पहले मरते हो तो कम प्लस होगा, ये काफ़ी दिक्कत हो सकता है कि आपको टॉप 10 से पहले मरोगे तो कम प्लस होगा, आपका सर्वाइविंग वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप सोचिए अधिकतर टॉप 10 के बाद झगड़ा करने का, रस अंधा रस कीजिए जो रस करना है। आप जब रैंक पुश करते हो ये दोनों चीज़ का आपको बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्मोक और नेड। ये आपको ऑटो पे रख के 6-7 हर समय स्मोक और नेड डालना, क्योंकि कभी कभी जो बहुत छोटा हो जाता है, बंदे बहुत अलाइव रहते हैं तो आपको स्मोक काफ़ी मदद कर सकता है। और नेट क्या काम करता है, कोई TTP ले रहा है तो आप उसके आगे नेट फेंक दो, देख लो TTP कोई ले रहा नहीं बंदा, तो आराम से वहाँ पे इजी समाप्त कर सकते हो। ये दोनों को आपको ऑटो पे रखना है। आठवां नंबर पे आता है हैकर। जी हाँ, जब आप रैंक पुश करेंगे तो हैकर को तो भरमार मिलेगी। आप 10-15 मैच तो आपका ऐसे ही मैनेज जाएगा, तो आपको क्या करना है, हैकर को आप पहचान सकते हो। हैकर कौन है या आप कैसे पहचानोगे हैकर को, आपको किल मैसेज जब तक पढ़ोगे तो आप पता चल जाएगा कि वो हैकर है, या लगातार जो किल करते रहेगा तो समझ जाइए वो हैकर है। और कोई अच्छा बंदा भी होता है, ये नहीं सिर्फ जाके आप देखते रहिए कि हैकर का कुछ एक्टिविटीज हो रहा है उसमें। तो आपको क्या करना है, जोन के बाहर ही जाके हीलिंग खोजते हुए टॉप 10 तक जाना है, तो आप हैकर से मरना तय है। तो कभी कभी आप हैकर को मार सकते हो, ज़्यादातर हैकर ही जीतता है, इसलिए आपको जोन के बाहर ही रह के हैकर को हैकर से लड़ सकते नहीं है, तो आप हीलिंग को भरपूर करके और आप इसी तरह रैंक पुश कर सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दिया हमारे चैनल को। बाय बाय गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो।